दोस्तों आज की जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बैंक अकाउंट नंबर या आप जो है बैंक नेम या आईएफएससी कोड जो है चेंज करना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो किस तरीके जो है आप कर सकते हैं, आज की जो है आपको मैं बताने वाला हूं कैसे जो है आप इसमें करेक्शन जो है ना करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में आप जो है बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड चेंज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन कोई ऐसा ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है जिससे जो है आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको ऑफलाइन जो है करेक्शन कराना होगा, अगर आपके बैंक नेम या आईएफएससी कोड या खाता नंबर आप जो है चेंज करवाना चाहते हैं, करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है समाज कल्याण विभाग में जो है आपको एक प्रार्थना पत्र लिखकर देना होगा। कुछ इस तरीके का जो है प्रार्थना पत्र आपको जो है लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो है टाइप कर लिया है, इस तरीके से जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और आपको जो है एक समाज कल्याण विभाग में जो है आपको देना है। इसके साथ साथ जो है आपको पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति आपको संलग्न करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है प्रार्थना पत्र, इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेवा व समाज कल्याण अधिकारी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जो है आपको डिस्ट्रिक्ट अपना डाल देना। इसके बाद महोदय महोदया, आपके अगर कोई समाज कल्याण अधिकारी अगर लेडीज है तो महोदया आपको करना है, अगर कोई पुरुष है तो महोदय के लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रार्थी प्रार्थनी, जो भी आवेदक है अगर पुरुष है तो प्रार्थी, अगर महिला है तो प्रार्थनी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको नाम लिखना है, पुत्र व पत्नी जो भी है यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद निवासी, वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जिसमें भी आपने आवेदन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद का ऑनलाइन आवेदन, आवेदन संख्या आपकी यहाँ पर कोष्टक में लिखनी है, आवेदन संख्या आपकी जो भी हो किया है जिसमें प्रार्थी ऑब्लिक प्रार्थनी आपका जो भी हो यहाँ पर का बैंक खाता नंबर या आईएफएससी कोड जो भी गलत हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बैंक सर मेरा बैंक खाता गलत हो गया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ अतः निवेदन है कि प्रार्थी और प्रार्थनी का बैंक खाता या बैंक आईएफएससी कोड वगैरह जो है ना जो भी आपका सही कराने की कृपा करें। पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति साथ में संलग्न है। इस तरीके की जो है आपको प्रार्थना पत्र लिख लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से जो है ना इसको लिख सकते हैं, कोई भी शब्द जो है ना बड़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से जो है ना लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको जो है ना लिखना, नीचे जो है दिनांक जिस डेट में आप जो है दे यहाँ पर प्रार्थी प्रार्थी और यहाँ पर नीचे अपना नाम सनऑफ और एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह सारे कोई डिटेल्स यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, निवासी और मोबाइल नंबर, इतनी चीज आपकी जो है यहाँ पर होनी चाहिए। और एप्लीकेशन में आपको जो है ना आवेदन संख्या जरूर डालनी है, आवेदन संख्या जो है ना आपको जरूर डालनी है और साथ ही साथ पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रति जो आपको संलग्न साथ में एप्लीकेशन के संलग्न करनी है। आपकी जो आपके जनपद में या तो विकास भवन पे होगा या कलेक्ट्रेट पे होगा, यहाँ आपको पता करना है कि आपके जनपद में जो है ना समाज कल्याण विभाग कहाँ पर ऑफिस है, तो वहीं पर आपको जाना है और ये एप्लीकेशन जो है ना आपको वहीं पर देना है। आप एप्लीकेशन देने के बाद जो है ना आपके बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड वगैरह जो भी चेंज कराना चाहते हैं तो वो आपका जो है करेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ना आप बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड या बैंक नेम वगैरह जो ना आप सही करा सकते हैं। ऑनलाइन कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, अभी कोई ऑप्शन जो है ना नहीं दिया, आप ऑफलाइन इसी तरीके से जो ना आपको कराना है, प्रार्थना पत्र दे करके आपको करेक्शन करा लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो ना आप करेक्शन करा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।